हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उन लोगों के लिए जिनके घर में छोटे छोटे बेबी पैरेट्स आए हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है। मेंबर के मेल फीमेल के फ़र्क को लेकर एक वीडियो आप बना दीजिए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है लेकिन आज एक बार फिर से मैं इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूँ। दोस्तों, पहले तो मैं आप सबको बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं मेरे शिवा के लिए कि शिवा वापस आ जाएगा। और मैं उम्मीद कभी नहीं छोड़ूंगी अपने शिवा का, हमेशा इंतज़ार करती रहूँगी और भगवान से भी ये दुआ करती रहूँगी कि या तो उसे मेरे पास वापस भेज दीजिए, नहीं तो कोई मुझसे भी ज़्यादा प्यार करने वाला, चाहने वाला उसको अपने पास रख ले तो उससे भी मुझे बहुत राहत मिल जाएगी। चलिए अपने पॉइंट पर आते हैं और बात करते हैं कि मेल फीमेल पैरेट का फ़र्क हम कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि एकदम एक्यूरेट तो सिर्फ डीएनए से ही पता चल पाता है या फिर जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग होते हैं, डॉक्टर लोग होते हैं या जो दिन रात इसका काम कर रहे हैं पैरेट का, उन लोगों को वो परफेक्टली इन चीज़ों को बता सकते हैं कि मेल फीमेल में फ़र्क क्या है। लेकिन फिर भी कुछ इंडिकेशंस होते हैं जो थोड़ी बहुत चीज़ों को जानने से, देखने से, पढ़ने से पता चलता है। तो वही सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगी। मुझे बताया ये गया है कि ये भी एक मेल पैरेट है तो इसके जो इंडिकेशंस हैं उसको देखकर मैं आपको बता। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सिंबल होता है किसी भी मेल और फीमेल पैरेट की पहचान का, वो होता है इनका कलर। जब मेल और फीमेल पैरेट्स एक साथ हों या फिर कई सारे पैरेट्स, बेबी पैरेट आप देख रहे हों तो आप उनमें जो शाइनीस जो कलर होगा उस पर आपकी नज़र पड़ेगी। तो वो जो पैरेट होगा वो मेल पैरेट होगा क्योंकि मेल पैरेट का जो बॉडी होती है, जो पंख होता है वो ज़्यादा चमकदार होता है। तो ये तो होता है सबसे पहला सिंबल जिससे आप पता लगा सकते हैं। और ये तब आप पता लगा सकते हैं जब आपके पास कई सारे पैरेट्स हों या फिर मेल फीमेल दोनों हों तो आप इनको कंपैरिजन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है दोस्तों इनका हेड। तो हेड आप देख सकते हैं इस तरह से चौड़ाई लिया हुआ जो हेड होता है वो मेल का होता है। मेल पैरेट जो होगा उसका जो ये हेड का हिस्सा होगा ये थोड़ा सा चौड़ा होगा और जो फीमेल होगी उसका हेड का हिस्सा जो होता है वो थोड़ा सा पतला होता है और गोलाई लिए होता है। अब बहुत ज़्यादा फ़र्क हम नहीं कर सकते लेकिन मैं आपको इंडिकेशन के थ्रू बता रही हूँ। इसके बाद चोंच अगर आप देखेंगे, मेल पैरेट की जो चोंच होती है वो काफ़ी रेड और चमकदार होती है क्योंकि ये अभी छोटा बच्चा है तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को हम पता नहीं लगा सकते, पर मैं ऑल ओवर आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। अगला पॉइंट होता है दोस्तों इनके आँख के पास, आप देखेंगे आँख और नाक के बीच में इनके एक लाइन होती है दोस्तों, ये भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। ये वैसे ब्लैक कलर के बाल होते हैं हल्के हल्के से, तो फीमेल में वो बाल नहीं होते, फीमेल में वो स्किन अंदर की दिखाई देती है, मतलब स्पेस दिखाई देता है। और मेल जो होता है उसके में वो ब्लैक लाइन, अगर आप पास से जाके देखेंगे तो मेल में वो ब्लैक ब्लैक बाल आपको नज़दीक से जाने पर पता चलते हैं। अभी शिवा इसके देवा के मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा ज़्यादा है, ये एक महीने का, डेढ़ महीने का बच्चा है तो अभी इसके, क्योंकि इसके पंख ही अभी डेवलप नहीं हुए हैं तो कंपैरिजन में हम बता सकते हैं। तो ये ब्लैक बाल जो होते हैं वो मेल के होते हैं और फीमेल के जो ये जो आँख के पास का जो हिस्सा होता है ये खाली होता है और स्पेस आपको दिखाई देगा उसके बीच में। नाक और चोंच के बीच का ये जो हिस्सा है ये भी फीमेल का थोड़ा पतला होता है और मेल का थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा अगर मेल और फीमेल दोनों एक साथ बैठे हों तो उनका साइज़ देखकर भी आप पता लगा सकते हैं। मेल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है फीमेल के कंपैरिजन, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, पर दोनों अगर साथ होंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो होता है एक और चीज़ जो होती है वो पैर होते हैं इनके, पैर जो होते हैं वो मेल के थोड़े चमकदार होते हैं, फीमेल के थोड़े से पतले होते हैं और उनमें चमक कम होती है। ये सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप ध्यान में रखकर मेल और फीमेल का कंपैरिजन कर सकते हैं।
इसके बाद इनकी बिहेवियर की बात आती है। तो बिहेवियर में जो मेल पैरेट होता है वो थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा होता है, फीमेल थोड़ी सी एक्टिव कम होती है बेबी पैरेट में। और मेल बहुत जल्दी चीज़ों को सीखता है, जल्दी फ्रेंडली होता है, फीमेल थोड़ी देर में फ्रेंडली होती है, हो जाती है लेकिन थोड़ा देर में फ्रेंडली होती है और थोड़ी देर से चीज़ों को सीखती है। तो ये उनके बिहेवियर डिफरेंस है मेल और फीमेल में। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगली वीडियो फिर कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ जल्द ही लेकर आऊँगी।